फरुखाबाद में सपा नेता तारिक सेठ के फ्लोर मिल पर जीएसटी का छापा पड़ा है। आपको बता दें कि तारिक सेठ के फ्लोर मिल पर अचानक जीएसटी की टीम पहुंच गई और यहां आयकर विभाग और जीएसटी की टीम ने मिलकर छापेमारी की है। टीम इससे पहले सपा एमएलसी पुष्पराज जैन, अजय चौधरी और कई जूता कारोबारियों पर भी छापेमारी की कार्रवाई कर चुकी है। ऐसे में सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक राजस्व जीएसटी विभाग विशेष जांच शाखा इटावा ने सपा नेता तारिक सेठ के फ्लोर मिल पर अचानक से छापेमारी की है। छापेमारी की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल टीम फ्लोर मिल में दाखिल हो चुकी है और आगे की कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि कमालगंज क्षेत्र में ही तारिक सेठ का फ्लोर मिल है। तो फरुखाबाद में जीएसटी की टीम ने छापेमारी की है। आपको बता दें तारिक सेठ के फ्लोर मिल पर यह छापा मारा गया है। हालांकि इससे पहले कई और लोगों के घरों पर छापा मारा जा चुका है, लेकिन तारिक सेठ के फ्लोर मिल पर ये तस्वीरें जो देख रहे हैं उसी फ्लोर मिल की है, जिस पर जीएसटी की टीम और आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। फरुखाबाद के थाना मऊ दरबाजा क्षेत्र में बेखौफ चोरों ने बीजेपी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष के घर से लाखों के जेवर समेत नकदी की चोरी कर ली है, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। हम कल मायके गए थे घूमने के लिए बच्चों के साथ, तो वहाँ पर फिर हम रुक गए रात भर। तो हम अभी आए तो हमने अभी देखा कि हमारा ताला टूटा हुआ, तो हम देखें पता नहीं इन्होंने तोड़ा। जब हम अंदर घुसे कमरे में तो देखा का कि अलमारी का लाकर वगैरह सब टूटा हुआ और सामान सारा बिखरा हुआ, उसमें पैसे चीज जेवर जितने थे सब निकल गया। तकरीबन कितने रुपए तक का सामान और जो पैसे थे वो कितने तक गए हैं आपको? हमारे जेवर चैन है, अंगूठी है, करीब हमारा 1.5 लाख का तो जेवर और मेरे पैसे हैं करीब 50,000। समाजवादी पार्टी के नेता जीतू शर्मा ने गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ा सा पोस्टर लगवाया है, जिसमें बीजेपी के दागी नेताओं की तरफ से की गई घटनाओं और लखीमपुर खीरी की घटना का जिक्र किया गया है। इस पोस्टर में सपा नेता जीतू शर्मा ने जहां समाजवादी पार्टी की तमाम योजनाओं का उल्लेख किया है, तो वहीं बीजेपी पर निशाना भी साधा है। सपा नेता जीतू शर्मा ने कहा कि कलेक्ट्रेट परिसर में हमने पोस्टर लगवाया है ताकि जो गरीब लोग अपने किसी न किसी काम को लेकर अधिकारियों के दर पर आते हैं उन्हें सच्चाई का पता चल सके, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कामों में फर्क और अंतर भी समझ आ सके। समाजवादी पार्टी के होर्डिंग्स लगाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं, क्योंकि आम जन लोग जो होते हैं वो अपनी किसी न किसी समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट अधिकारियों के दर पर जाते हैं। उसी के मद्देनजर हमने कलेक्ट्रेट को चुना, क्योंकि आम लोग जो हैं उनको कम से कम भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यों में अंतर और फर्क नजर आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए क्या काम किया है। हाथरस में मुख्यमंत्री के घोषणा के अंतर्गत पुलिस लाइन में 24 महिला आरक्षी हॉस्टल का लोकार्पण मुख्यमंत्री की तरफ से लखनऊ से डिजिटल रूप से किया गया। आपको बता दें कि 4 मंजिला पुलिस महिला आरक्षी हॉस्टल 116 लाख रुपए की लागत से ज्यादा बनकर तैयार हुआ है। वहीं लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष, विधायक, DM, SP समेत तमाम पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जौनपुर में KYC ऑनलाइन के नाम पर धन उगाही का मामला सामने आया है, जहां पर कैंप लगाकर लोगों से धन उगाही की जा रही है। वहीं कैंप पर अंगूठा लगाकर ग्रामीणों को वापस भी लौटाया गया, जिसके चलते ग्रामीण भड़क गए और ग्राम प्रधान पर धन उगाही करने का आरोप लगाया। वहीं इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तो तस्वीरें आप भी देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा संख्या में ग्रामीण पहुंचे हुए थे, लेकिन ग्रामीणों की तरफ से ही धन उगाही का आरोप यहाँ पर लगाया गया है।
जौनपुर सिकरारा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया और इसके साथ ही पुलिस ने घायल बदमाश को साधी को भी गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया है। कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जिला चिकित्सालय प्रशासन की तरफ से अपनी अपनी तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति साथ ही कोरोना को लेकर जो भी स्पेशल वार्ड कोरोना पीड़ित मरीजों के लिए बनाए गए हैं उस वार्ड में मरीज को ले जाकर मॉक ड्रिल किया गया। ऐसे में लखनऊ से आए डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव डायरेक्टर की तरफ से पूरे मॉक ड्रिल की मॉनिटरिंग भी की गई, तो तैयारियां पूरे जोरों शोरों से अब की जा रही है कोरोना को लेकर और इसी के चलते ये मॉक ड्रिल किया गया था। तो आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे अगली खबर का। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र कृषि उपज की पूर्ण खरीदारी और लाभकारी मूल्य दिए जाने की गारंटी समेत 22 बिंदु पर जारी किया गया है, जिसमें 11 विधानसभा प्रत्याशियों की सूची भी जारी की गई है। यानी कि अब आपको बता दें कि राजा भैया ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए करेंगे अगली खबर का। सीतापुर के एसओजी और कमलापुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस और 25,000 के नामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लग गई, वहीं गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। वहीं बदमाश को साथी आपको बता दें मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं पुलिस ने बदमाश के पास से तमंचा, 5 कारतूस सहित देसी बम भी बरामद कर लिया है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने अब पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र कृषि उपज की पूर्ण खरीदारी और लाभकारी मूल्य दिए जाने की गारंटी समेत 22 बिंदु पर जारी किया गया है, जिसमें 11 विधानसभा प्रत्याशियों की सूची भी जारी की गई है। सभी पार्टी लगातार अपनी अपनी मजबूती से जनता के बीच, चूंकि आज जनता दल लोकतांत्रिक पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमारे साथ ज्यादा बात करने के प्रधान महासचिव सरोज जी और मौजूद आईएम से बात करते हैं, क्या मुद्दों पे आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और कुछ विधानसभा प्रत्याशियों के लिए जारी की, कितने प्रत्याशियों के लिए जारी की? घोषणा पत्र संकल्प पत्र हमने जारी किया है 22 बिंदुओं पर और 11 प्रत्याशियों के भी घोषणा किया है। बहुत ही जल्दी हफ्ते 10 दिन के अंदर दूसरी भी सूची जारी कर दी जाएगी। सर, क्या कुछ अहम मुद्दे हैं आपके इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? अहम मुद्दे हमारे ज्यादातर जो किसान है, नौजवान है, महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी जाति धर्म के लोगों को समावेश करके हमने घोषणा पत्र बनाया है और सबकी बेहतरी के लिए कोई जाति धर्म को ना लेकर, बल्कि हर जाति धर्म के लोग जो पीड़ित हैं उनको एकमुश्त राशि समान तरीके से दी जाए, इस व्यवस्था को। अगर गठबंधन की बात की जाए तो किस पार्टी से ज्यादा उम्मीद लगती है गठबंधन? गठबंधन के लिए हम लोग ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत किया है, वो किसी से भी गठबंधन करेंगे वो जानकारी आपको मिल जाएगी। क्या कुछ सीटों की डिमांड रहेगी आपकी गठबंधन में? सीटों की कोई डिमांड नहीं है, लेकिन जो हमारे दल है और हमारे दल के नेता का जो परिपक्व राजनीति है, मेरे ख्याल से बेहतर तरीके से उस पर हमें सीट मिलेगी अगर गठबंधन होगा। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर गठबंधन नहीं होता तो कितने विधानसभा? हम 100 से ज्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद। तो ये थे जनसत्ता लोकतांत्रिक पे शैलेंद्र सरोजी, जिन्होंने हमें बताया कि 100 अगर गठबंधन नहीं होता तो 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ से हिमांशु गर्ग, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।